वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2022 के 30वें मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा राजस्थान वर्सेस कोलकाता के बीच में। मुकाबला एक बार फिर से ब्राबरोन स्टेडियम मुंबई के विकेट पर खेला जाएगा और यहां के विकेट के बारे में अगर बात करें तो अभी तक टोटल 6 आईपीएल के मैच हुए हैं। 6 में से 2 मुकाबले बैटफर्स ने, 4 मुकाबले चेस करने वाली टीम ने विन किए हैं। अगर दोस्तों आप एवरेज स्कोर चेक करोगे तो यहाँ पर 177 बने, यहाँ पर 210, यहाँ पर 180, 189, 215 और लास्ट 2 मैच हुए थे वहां पर 175, 199, यानी पिछले 4 मैच अगर आप उठाकर देखोगे दोस्तों तो बल्लेबाजों को यहां पर काफी अच्छा स्कोर देखने को मिला है। गेंदबाजों के बारे में बात करें तो यहां पर 13 विकेट गिरे, यहां पर 15 विकेट गिरे, यहां पर 11 विकेट गिरे और लास्ट मैच में 13 विकेट गिरे, यानी लगभग दोस्तों जो गेंदबाज है उनको भी विकेट मिल रहे हैं, प्लस में जो बल्लेबाज है दोस्तों वो भी इस विकेट पर काफी अच्छे रन बना रहे हैं। अगर गेंदबाजों की कंपेयर करें स्पिन वर्सेस पेसर्स की तो पेसर्स को 58 विकेट मिले हैं, स्पिन गेंदबाजों को 28 विकेट मिले हैं। बाकी पिच को लेकर जो भी फ्रेश अपडेट होगी, जो भी एक्सपर्ट की दोस्तों एडवाइस वगैरह होगी, वो पूरी अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में और टेलीग्राम ज्वाइन करने के 2 इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जिन्होंने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मुकाबले इन्होंने विन किए हैं, 2 मुकाबले ये हार कर आए हैं। टीम की ओर से जोश बटलर काफी शानदार में चल रहे हैं, अब तक 2 बड़ी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, 1 सेंचुरी लगा चुके हैं, 1 मैच में 35 बनाए थे, काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। हेड टू हेड में भी दोस्तों 31 का बैटिंग एवरेज है। देवदूत पार्टिकल ने 3 पारियां अच्छी खेली जिसमें 29, 37 और 41 किए, 2 पारियों में फ्लॉप रहे। हेड टू हेड के अंदर 25 का बैटिंग एवरेज है। इनके बाद रविचंद्र अश्विन को लास्ट मैच में टीम ने प्रमोट करके 1 डाउन बैटिंग करने उतारा था, जहां पर ये सिर्फ 8 रन बना पाए। इससे पहले दोस्तों ये नंबर 6 और 7 पे बैटिंग कर रहे थे, 28 और 1 किया था। एक बार फिर से मेरे अकॉर्डिंग इनको यही नंबर 6 और 7 पे बैटिंग करने को मिलेगी। बाकी बैटिंग ऑर्डर को लेकर अपडेट आएगा तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और बॉलिंग आप देखोगे अश्विन की तो दोस्तों कुछ खासा गेंदबाजी अभी तक नहीं रही है, 1 मैच में विकेट मिला है, 4 मैच ऐसे हैं जहाँ पर रविचंद्र अश्विन को कोई भी विकेट वगैरह नहीं मिला। संजू सैमसंग ने आगाज अच्छा किया था, 55 और 30 बनाए, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे पिछले 3 मुकाबले तो वहाँ पर अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनके बाद आरवन दर्शन है दोस्तों, प्लेयर काफी अच्छे हैं, टैलेंटेड बल्लेबाज है, लेकिन आईपीएल दोस्तों कुछ खास नहीं जा रहा है। 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच में पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। टीम चाहे तो एक मौका और दे सकती है, अदरवाइज इनको रिप्लेसमेंट करके इसी अदर बल्लेबाज को यहां पर ला सकती है। इनके बाद सिमरन हेटमायर की आप देखोगे ये सीजन काफी जबरदस्त गया है, 32, 35, 42, 59 और लास्ट मैच में 29 रन बनाए, नंबर 5 और 6 पे बैटिंग कर रहे हैं। रियान पराग है, 18, 8, 5, 12 बैटिंग में इतना अच्छा योगदान नहीं रहा, बॉलिंग में सिर्फ 1-1 ओवर टीम बॉलिंग करवाती है, 3 मैच में 3 ओवर डाले हैं, 2 मैच में विकेट लेस, 1 मैच में 1 विकेट मिला था। जिमी नीसम लास्ट मैच में पहली बार खेले, बैट के साथ 17 किए, बॉलिंग में 3 ओवर में इनको 29 रन पड़े, कोई विकेट वगैरह नहीं मिला। प्रसिद्धा कृष्णा है, शुरू के 4 मैच में 4 विकेट निकाले, लास्ट मैच में इनको भी मार पड़ी, 4 ओवर 35 रन विकेट लेस थे। युजवेंद्र चहल इस आईपीएल में दोस्तों काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खेले गए 5 मैचेस के अंदर दोस्तों अब तक ये 12 विकेट निकाल चुके हैं। हेड टू हेड के अंदर 18 मैच में 19 विकेट इनके नाम है। कुलदीप सेन 2 मैच खेले हैं, थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए हैं, लेकिन 2 मैचेस के अंदर इन्होंने 2 विकेट भी निकाले हैं। बैंस के प्लेयर के बारे में बात करें, ट्रेंट बोल्ट है दोस्तों, अगर खेलते हैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, थोड़ा सा इंजरी इश्यू की वजह से दोस्तों लास्ट मैच में ये नहीं खेल पाए थे, लेकिन दोस्तों जो भी अपडेट आएगी आपको अपडेट टेलीग्राम में मिल जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर के बारे में, 6 मुकाबले खेले हैं, 6 में से 4 मुकाबले इन्होंने विन किए हैं और 2 मुकाबले दोस्तों ये हार कर आए हैं। टीम की ओर से वेंकटेश अय्यर टीम के लिए लगातार ओपन कर रहे हैं, 1 मैच में 50 नाबाद किए थे, उसके अलावा देखोगे 10, 16, 18, 6 कुछ बड़ी इनिंग अभी तक इनके बैट से नहीं आई है, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज है। रिसेंट जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थी वो कमाल की रही थी, जरूरत पड़ने पर टीम दोस्तों 1-2 ओवर पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवा सकती है। एरोन फिंच है, लास्ट मैच में पहली बार खेले थे और ओपन किया, सिर्फ 7 रन ये बना पाए। बाकी दोस्तों एरोन फिंच का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्म किया था, 2 मैचेस में ये ख़राब फॉर्म से गुजर के आए हैं, तो थोड़ी सी एक एवरेज पिक रहने वाली है। सुरेश अय्यर दोस्तों 1 डाउन बैटिंग करने वाले हैं, टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं। बैटिंग परफॉर्मेंस देखोगे दोस्तों तो 26, 10, 54, 28 एक मैच में 54 बनाए थे, उसके बाद से स्टार्ट अच्छा मिला है 20, 26, 28, लेकिन थोड़ा सा ये भी अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, कभी भी बड़ी पारी खेल सकते हैं। सुनील नारायण है,
एक दो मैच में इनको मौका मिला है बैटिंग करने का। नंबर 4 पर आए 6 बनाए, नंबर 8 पर आए 4 बनाए, एक मैच में नंबर 5 पर आए 12 बनाए। बॉलिंग का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, इकोनॉमी हर मैच में शानदार रही है, लेकिन विकेट अभी तक 6 मैचेस के अंदर 4 ही ये निकाल पाए हैं। हेड टू हेड में अगर देखा जाए दोस्तों, 60 ओवर बॉलिंग करते हुए 10 विकेट इनके नाम है। नीतीश राणा है, नंबर 4 या 5 पर खेलते हैं। शुरू के 4 मैचेस थोड़े से खराब गए थे, लेकिन लास्ट के 2 मैच में नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी की है। लास्ट मैच में 54, सेकेंड लास्ट मैच में 30 रन बनाए। शेल्डन जैक्सन है दोस्तों, 3 मैच में मौका मिला, 3 मैच में फ्लॉप रहे। आदिल रसल दोस्तों कभी भी मैच को पलट सकते हैं, 70 ना बाद 25-24 और लास्ट मैच में 49 रनों की बहुत ही अटैकिंग इनिंग इन्होंने खेली थी। बॉलिंग का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, टीम इनसे ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवा रही है, लेकिन फिर भी आप देखोगे दोस्तों अभी तक 6 मैचेस के अंदर ये 5 विकेट निकाल चुके हैं। बॉलिंग में कभी 1 ओवर कभी 2 ओवर ऐसे इन्होंने गेंदबाजी की है। पैट कमिंग्स पहले मैच में तो जम के बल्लेबाजी की, 56 नाबाद किए, उसके बाद से बैटिंग इतनी खास नहीं रही है। वैसे भी दोस्तों बैटिंग काफ़ी लेट आती है तो इतनी उम्मीद इनसे रहेगी नहीं। गेंदबाजी में देखा जाए तो 3 मैचेस के अंदर अब तक 3 विकेट निकाले हैं। हर मैच में आप देखोगे इकोनॉमी भी काफ़ी आई रही है, अच्छी खासी दोस्तों इनको मार भी पड़ी है। अमन खान लास्ट मैच में खेले, 1 ओवर डाला, 13 रन खर्च के, विकेट वगैरह नहीं मिला। उमेश यादव है, ये आईपीएल सीजन काफी शानदार जा रहा है। शुरू के जो 5 मैचेस थे वहां पर दोस्तों इन्होंने 10 विकेट निकाले थे, लेकिन लास्ट मैच में इनको विकेट वगैरह नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती एवरेज परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, खेले गए 6 मैचेस के अंदर 4 मैच में 1-1 करके 4 विकेट निकाले, 2 मैचेस के अंदर इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। बैंसेस के प्लेयर को लेकर जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट टेलीग्राम में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमारी डेमो टीम के बारे में। विकेट कीपिंग में दोस्तों बटलर के साथ मैं ट्राई करने वाला हूं। संजू सैमसन भी दोस्तों अच्छी पिक रहेगी, लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट का इश्यू आ रहा है दोस्तों, इसलिए मैं एक बार संजू को अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूं। बैटिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे सिमरन हेटमायर, श्रेयस अय्यर, देवदत्त पाडिकल और नीतीश राणा, चारों प्लेयर्स को मैं ट्राई करके चलने वाला हूँ। विकेट दोस्तों बल्लेबाजों के लिए काफ़ी शानदार है, तो मैं आपको दोस्तों प्रेफर करूँगा, आप चाहें तो एरोन फिंच को भी दोस्तों यहाँ से अपनी टीम में जरूर से ट्राई करके चल सकते हैं। एक गेंदबाज को कम कर सकते हैं या फिर एक ऑलराउंडर को भी दोस्तों ड्रॉप करने का रिस्क आप उठा सकते हैं। लेकिन ऑलराउंडर में आप देखोगे दोस्तों रसल तो बिल्कुल मस्ट पिक है, पैट कमिंस के ऊपर दोस्तों तो डिपेंड रहेगा। आप चाहें तो पैट कमिंस को ड्रॉप करके यहां से एरोन फिंच के साथ जा सकते हैं, या फिर दोस्तों पैट कमिंस को ड्रॉप करके आप संजू सैमसन के साथ भी जा सकते हैं। ये हम दोस्तों टॉस के बाद डिसाइड करेंगे। बॉलिंग में युजवेंद्र चहल को मैंने रखा है, उमेश यादव को मैंने रखा है। अभी के लिए दोस्तों मैं ट्रेट बोल्ट को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। ट्रेट बोल्ट नहीं खेलते हैं तो दोस्तों फिर प्रसिद्धा कृष्णा को आप ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों हो सकता है अगर ट्रेट बोल्ट खेले तो बिल्कुल एक शानदार पिक हमारे लिए रहेगी। नीचे के ऑप्शन में दोस्तों मैंने क्रेट मेंटेन करने के लिए कुलदीप सेन को अपनी टीम में ट्राई किया है। अगर टॉस के बाद दोस्तों करेक्ट अगर मेंटेन होते हैं तो कुलदीप सेन को ड्रॉप करके हम किसी अदर गेंदबाज या फिर दोस्तों बल्लेबाज को ट्राई कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल में जो आप टीम देख रहे हैं दोस्तों यहां पर, ये हमारी सिर्फ एक डेमो टीम है। जो फाइनल टीम है वो पूरी तरह टॉस पे डिपेंड करेगी, और टॉस के बाद टीम में जो भी चांसेस होंगे उसकी हर अपडेट मिलेगी आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट लिंक मैंने वीडियो के नीचे मेंशन किए हैं, जहां से आप क्लिक करके सीधा हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। बात कैप्टन और वाइस कैप्टन की करें दोस्तों तो 2 ही मस्ट पिक है दोस्तों, जोस बटलर और आंद्रे रसल। इन दोनों को आप चाहें तो रिवर्स करके भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, दोनों दोस्तों काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ग्रैंड लीग के बारे में बात करें तो श्रेयस अय्यर के साथ जा सकते हैं, नीतीश राणा के साथ जा सकते हैं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में देखा जाए दोस्तों युजवेंद्र चहल अच्छी पिक है, अगर बोल्ट खेले तो बोल्ट के साथ जा सकते हैं। और दोस्तों संजू को भी बिल्कुल मत भूलिएगा, संजू सैमसन भी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। बाकी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन और अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।